हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज योगेश वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी इफ यू न्यू टू यूर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व करेंगे आज कुछ हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कुछ बात करने वाले हैं सम ग्रेट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द ठीक है तो आज कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होने वाला है आज मैं आपको सब सजेशन दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए जिससे आपका बेटर वे में सब कुछ सॉल्व हो सके तो पहला द ग्रेट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दी क्वेश्चन ठीक है तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक प्लान मेंटेन होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म की फ़ायदा दे ठीक है अगर आप वैसा कुछ प्लान बना के रखे हैं मतलब आप अगर आप जो रूटीन बना के रखे हैं कुछ भी करने का आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होनी चाहिए तो वो आपका एक स्ट्रैटेजी मीनिंग हुआ ठीक है तो आपको कैसा स्ट्रैटेजी मेंटेन करना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें तो कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ पहला पहला टिप रहेगा कि वेकअप अर्ली अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप दिन की ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे बहुत लोग होते हैं लेट उठते हैं नौ दस नौ भी नहीं दस ग्यारह बारह जब आप इतने लेट उठेंगे तो बाकी दिन तो आप और भी कुछ करते करते तो दिन ख़त्म ही हो जाएगा रात में तो ऐसे पढ़ाई होती नहीं है तो आपका दिन आधा दिन तो सोने में ही चला गया तो आप कब यूटिलाइज़ करेंगे बाकी का समय कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप दिन आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा पूरे दिन में का पढ़ने का तो आपका बेटर होगा पर डे ठीक है अब सेकेंड पॉइंट वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट विथ योर डेली रूटीन पहले ये कंसिस्टेंट ये मतलब समझ लीजिए बहुत खतरनाक वर्ड है मतलब ये अगर आपने मेंटेन कर लिया ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं ठीक है तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने डेली रूटीन के पास तो मतलब क्या हुआ ये नहीं कि आप बस आए आपने आज सोचा रहे आज मैं पंद्रह क्वेश्चन बनाऊंगा आज मैं बीस क्वेश्चन बनाऊंगा बस वो दो तीन दिन चलेगा फिर आप ठप नीचे गिर जाएंगे कुछ कर रहे नहीं रहे फिर कुछ और करने लगे बहुत लोग बता रहे आज ये करेंगे ये करेंगे आज से चालू कि पंद्रह क्वेश्चन बीस क्वेश्चन डेली बनाना है बस वो दो तीन दिन आप देखिएगा उसका फिर नीचे गिर जाएगा फिर ठंडा हो जाएगा एक दो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में आ जाएगा वो भी नहीं करेगा तो वो कंसिस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये कंसिस्टेंट वर्ड अगर आप अपने डेली रूटीन पर ले आए तो आपका मतलब बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है मतलब आप कंसिस्टेंट रहेगा अगर आप जो कर रहे हैं अगर आपने ठान लिया है तो उस डेली रूटीन में फॉलो करते रहिए ये नहीं कि अब जोश जोश में आपने स्टार्ट किया फिर आप रुक गए फिर कुछ और आपने स्टार्ट किया फिर रुके तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है वह बस आप थोड़ी देर के लिए आपको जोश आएगा बहुत लोग मैक्सिमम लोग यही करते हैं जोश में स्टार्ट करेंगे अगर मैं अगर मैं आपको क्वेश्चन रिलेटेड बोलूँ तब बहुत लोगों ने कहा मैं आज पंद्रह क्वेश्चन बीस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ वो डेली बनाएंगे दो तीन ही बार फिर ठप हो जाएंगे वो एक दो क्वेश्चन में आ जाएंगे तो वैसा नहीं करना आपको आपको कंसिस्टेंट बट मेंटेन रखना है अपने डेली रूटीन पे मतलब आप जो आपने रूटीन बना लिया बस उसे फॉलो करते जाओ बस अगर आप वो फॉलो करते गए तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियस सब बात है ठीक है सेकेंड थर्ड पॉइंट आपको थ्री टू फोर आवर्स ऑफ डी एस एल को प्रैक्टिस लगेगी अगर आप तीन चार घंटे भी अगर आप नहीं दे पाएंगे डी एस एल को प्रैक्टिस के लिए फिर आप कहाँ से प्रोडक्ट बेस उठा पाएंगे तो जब प्रोडक्ट बेस कंपनी से आपको क्रैक करनी है तो कम से कम तीन चार घंटे तो आपको देना पड़ेगा ना डी एस एल को में ठीक है मैं आपको हमें मतलब अगर आप जिस दिन नहीं हो पाए तो दो घंटा तीन घंटा मैं एवरेज बोल रहा हूँ तीन चार घंटा आप दे सकते हो ठीक है ये नहीं कि आप आज किए ही नहीं आपने कल आपने सात घंटा कर लिया वैसे नहीं चलेगा डेली करो आप कंसिस्टेंटली आपको करनी होगी ठीक है तो अब इसमें भी आपको मतलब वो टाइप का नहीं है कि आप मतलब आएँ कभी मन कर रहा है कभी नहीं मन कर रहा है आपको कंटिन्यू मतलब ब्रेक ब्रेक लेते रहो और करते रहो फोर्थ पॉइंट है कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व पर डे बहुत लोग आएंगे दस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन तीस क्वेश्चन पर डे बनाएंगे मैं एक्सेप्शन को हटा के बोल रहा हूँ जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले हैं जो मतलब सब कुछ उखाड़ देंगे एक बार में मैं उसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि कितनी क्वेश्चन उसे बनानी चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप सिक्स क्वेश्चन पर डे बनाएं और वो भी कैसा मतलब देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है विच लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व मतलब अगर आप सिक्स क्वेश्चन पर डे सॉल्व कर रहे हैं उसमें से थ्री क्वेश्चन होंगे ईजी लेवल के टू क्वेश्चन होंगे मीडियम लेवल के और वन क्वेश्चन होंगे हार्ड लेवल के तो अगर आपने थ्री क्वेश्चन ईजी टू मीडियम वन हार्ड अगर आपने ये स्ट्रेटी फॉलो की सॉल्व करने की तो मतलब समझ लो कि आपका अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है डी एस में तो अगर आप लीड कोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको तो लेवल की डिफ़िकल्टी दिखी जाएगी जी में भी डिफ़िकल्टी लेवल दी रहती है आप अगर डी एस ए क्रैकर शीट आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप लिंक्स क्लिक करेंगे तो आपको तो डायरेक्टली क्वेश्चन में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन का लेवल दिया रहता है तो उस हिसाब से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो यहाँ बब्बर भैया ने किया है कि उन्होंने सब टॉपिक वाइज आपने मेंटेन कर दिया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है तो ये नहीं कि आप सब मिक्स करके करो मैं भी यही बोलूंगा कि आप टॉपिक वाइज करो जैसे आपने पहले एरे स्टार्ट किया तो एरे क्वेश्चन बनाओ स्ट्रिंग स्टार्ट किया तो स्ट्रिंग क्वेश्चन बनाओ डीपी ग्राफ जैसे जैसे आते रहेंगे आप बनाते जाओ बहुत लोगों का ये भी होता है कि पहले जो जो उसमें करते बट डीपी ग्राफ आता है तो सब नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है रिकर्शन वगैरह करने में तो वहाँ भी आपको कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंट आपको रहाना पड़ेगा समझे वो भी मैंटेन करना होगा वहां पर भी आपको उसी तरह करना होगा ये नहीं कि वहां पर आए फिर ठप हो गए फिर नीचे गिर गए फिर आपका तो फिर लॉस इन हो जाएगा वहां पर ठीक है तो आपको मैंने आपको क्या बोला सिक्स क्वेश्चन पर डे बनानी है थ्री इजी टू मीडियम वन हार्ड ठीक है तो अगर आप ये मेंटेन करोगे ना अब बहुत लोग अब मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत लोग बोले कि बीस बीस क्वेश्चन करके ठोकेंगे महीना भर में खत्म कर देंगे अरे भाई तुम महीना भर में तो खत्म कर दे रहे हो वन मंथ आपने खत्म कर दिया क्वेश्चन भाई आपको कुछ याद रहेगा आपने क्या सॉल्व किया बस आगे सॉल्व होते जा रहा है पीछे से सब खत्म होता जा रहा है मतलब आगे सब नया क्वेश्चन आ रहा है पीछे निकलते जा रहा है ये याद रखिएगा क्वेश्चन डिपेंड नहीं करेगा रहेगा कि आप कितने क्वेश्चन बना रहे हो डिपेंड ये कर रहा है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो क्वेश्चन को ठीक है तो आपने कोई क्वेश्चन किया ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी और ये भी बात कि आप सारे टॉपिक्स अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो बस एक अप्रोच देखा अरे ये तो मुझे आता है लिख लो लिख लो लिख लो सारा क्वेश्चन आप वैसे करके निकल जाएंगे तो फिर आपको ऑप्टीमल अप्रोच तक आपको देखना होगा हर एक क्वेश्चन अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखो उससे ऑप्टिमल उससे ऑप्टिमल जो बेस्ट ऑप्टिमल हो सकता है सारा अप्रोचेस देखो बिकॉज आपको इंटरव्यू में तो वैसे ही समझाना पड़ेगा ना अगर को, कोई आपसे कोई कुछ, क्वेश्चन पूछा तो आपको सारे अप्रोचेस बताने पड़ेंगे अगर आप खाली को आपको ब्रूट फोर्स आती हो तो सबको आती है अगर आप ब्रूट फोर्स खाली अगर आपको आती होगी तो फिर थोड़ी आपको लेगा वो इंटरव्यू देगा ब्रूट फोर्स आता है उसको ऑप्टिमाइज कर ही नहीं पा रहा तो आपको सारे अप्रोचेस देखने हैं सारे क्वेश्चन के ठीक है और उसी हिसाब से करी से मैंने आपको सिक्स क्वेश्चन बोला कि आप सारे प्रोश्स अच्छे से दिक्कत करो ना फिर अगर आप किसी फोर्स होगा तो आप दस पंद्रह क्वेश्चन कर सकते हो एक दिन में तो इसलिए मैंने आपको बोला ना और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड नहीं करे आप क्वेश्चन कितने अच्छे से कर रहे हो मतलब कितने डीपली आप समझ रहे हो वो मेन इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा क्वेश्चन बस इन्हीं ऊपर पर करके लिखल जाओ इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक्स ऑफ रिमेबरिंग एलगोस अभी ट्रिक्स मतलब क्या हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है सिक्स में ट्रिक्स ऑफ रिमेंबरिंग एलगोस आप कैसे याद रख सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ क्वेश्चन बनानी नहीं है आपको हर एक क्वेश्चन को रिविजिट भी करना है वो कैसे अगर आपने आज से फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन बनाया ठीक है तो आप एक रफ कॉपी मेंटेन करो या तो आप नोट नोट पैड मेंटेन करो उसमें आप आप जो आपने क्वेश्चन किया उसे मतलब कुछ थोड़ा टफ़ वगैरह लग रहा था तो आपने उसका कोड्स स्निपेट लिख दिया या फिर उसमें जो आपने लॉजिक यूज़ किया था वो आप लॉजिक लिख सकते हो तो अगर आप वैसे रफ शीट में रफ कॉपी मेंटेन करो ठीक है तो जब आपने आज, आज आप जैसे आपने आपको मैंने बोला ना सिक्स क्वेश्चन आपने बना रहे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने बना रखा है उसमें से थ्री क्वेश्चन को आप रिविजिट करो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में टाइम लगेगा रिविजिट करने में अरे ये तो क्वेश्चन भूल ही गया ऐसा होगा आप आज आपने पहला क्वेश्चन बनाया वन मंथ बाद अगर आप फिर से सेम क्वेश्चन देखने क्या आप लगेगा अरे भूला हुआ लगा तो मैंने किया ही नहीं था ये कौन सा क्वेश्चन आ गया तो अगर आप दो तीन बार अगर आप रिविजिट करके कर रखोगे ना क्वेश्चन को तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा मतलब कि आपको समझ आने लगेगा कि हाँ ये तो इस टाइप का लॉजिक मैंने यूज किया हुआ है अगर उसका कोई वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आया तो वो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे मैं रिविजिट इन द सेंस ये नहीं बोलूँगा आप रट लो मैं कोड रटने नहीं बोल रहा हूं आपका अगर एक तरफ में अगर लॉजिक को अगर मतलब कर लो हाँ ये लॉजिक मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया था इस क्वेश्चन में ये लॉजिक यूज किया था ठीक है अगर ऐसा स्ट्रेटेजी आपने मेंटेन कर लिया मतलब आप सिर्फ लॉजिक थोड़ा बहुत देख लो तो वही रिविजिट मैंने बोल रहा हूँ कि आप छह क्वेश्चन बनाओ पर डे और थ्री क्वेश्चन को से रिविजिट कर लो कि हाँ क्या लॉजिक यूज़ किया था ऐसे ऐसे किया था ठीक है तो आपको क्या होगा दिमाग में पर दिमाग में बैठ जाएगा आके अरे हाँ ये इस तरह का किया हुआ इसमें ऐसे कर देंगे इसमें ऐसे करेंगे लॉजिक्स थोड़ा आपका दिमाग में रिबिल्ट होने लगेगा तो अगर मान लो आपका कोई वेरिएशन क्वेश्चन आया जो आपने प्रीवियसली बना चुका है ठीक है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना आपको ज़्यादा इजिली होगा बहुत बार ऐसा होता है क्या कोई क्वेश्चन आए देखे देखे आपने बट आपने देखा कि ये तो देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है आपको लगेगा तो आप, आप ता उस टाइप का वो वेरिएशन वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपका कुछ उस टाइप का क्वेश्चन आपने किया रखा होगा तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे तो वो वेरिएशन ऑफ़ क्वेश्चन करने में बहुत फायदा होता है और वो सेम क्वेश्चन भी अगर वापस आ गया तो आपको भी याद रहेगा अरे ये तो ऐसे मैंने किया था ऐसे किया था तो आपका ये तो आप ये याद रखिए आपको तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाना वो डिपेंड नहीं कर रहा है आप क्वेश्चन बनाओ और रिविजिट भी करते जाओ तो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा समझा आप तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी आप रखनी है यहाँ पर भैया ने तो फो फिफ्टी क्वेश्चन दी हुई है तो अगर आपने पर डे सिक्स क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आप इजीली टू पॉइंट फाइव मंथ्स में आप इजिली कवर कर सकते हैं सारे क्वेश्चन ठीक है अगर आप संग संग आप, अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रखा है आपने तब तो वो अलग बात है अगर आपने नहीं बना रखा तो फिर आप कम क्वेश्चन भी कर सकते कि आपको दोनों तरफ दिमाग देना पड़ेगा ठीक है तो यही था मेरा स्ट्रेटी कि आप इस तरह फॉलो करिए था आपका क्वेश्चन आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा और ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डी एस एल को की अगर प्रेट लेना पड़ेगा तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए बट अगर संग संग भी स्टार्ट कर सकते हो वैसे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डी को अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत बेता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अरे अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे तो उससे भी तो एलगो आप सीखोगे ना अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर आप वहाँ पर एटोरियल देखोगे यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको फिर एलगो समझ आएगा ठीक है तो जरूरी नहीं है नहीं आता तो नहीं करो आप संग संग कर भी सकते हो ना पहले डीएसएल को पढ़ के भी कर सकते हो ठीक है तो और मैंने एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट किया है जिसमें मैंने एरे कंप्लीट कर दिया है और स्ट्रिंग का आधा क्वेश्चंस कंप्लीटेड है तो मैं एक प्ले बना रहा हूँ पूरे फोर क्वेश्चन कंप्लीट करने के आप क्या करो बना रहे हो तो पहले खुद से बनाओ क्योंकि पहले से देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो पहले आप क्वेश्चन खुद से बनाइए जितना आप टाइम दे सकते हैं आप बनाइए अगर आपसे नहीं बन रहा है तब तो आप उसका एडिटोरियल देखो वीडियो देखो ठीक है तब तो आपको वो फायदा करेगा मतलब तो पहले अपना खुद का दिमाग लगाओ यार खुद का दिमाग लगाओ पहले तब ना फिर अगर नहीं हुआ तब आप एडिटोरियल देखो यूट्यूब वीडियोज़ देखो तब आपको मतलब ज़्यादा वो बेनिफिट करेगा मतलब आप खुद तो दिमाग लगा रहे हैं ना यार दिमागी ही नहीं लगा वीडियो देखते जाओ तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ठीक है तो इस टाइप का अप्रोच रखो आप अपना दिमाग लगाओ बनाओ नहीं बन रहा वीडियो देखो वैसा कर सकते हो तो मैं वो प्ले लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ और हमारा आज का बस यही रखते हैं कि मैं आपको सब कुछ तो मैंने बता ही दिया कि इस तरह स्ट्रैटेजी आपको मेंटेन करनी है और हमारा वन के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाला है हमने स्टार्ट किया था वन मंथ पहले क्वेश्चन सॉल्व करना अरे कंप्लीट हो गया स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया और स्ट्रिंग मतलब आधा हो गया है तो हम मैंने सोच रहा था कि दूसरे दूसरे स्टार्ट भी कर दूं मतलब डीपी ग्राफ वगैरह भी स्टार्ट कर दूं आप कमेंट बताओ कि क्या आप नेक्स्ट चाहते हैं मैं स्टार्ट करूं चाहे सर्चिंग शॉर्टिंग या डीपी ग्राफ ट्री जो आपका मन आप बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्ले ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप आगे भी कुछ इस टाइप का वीडियोज लाता रहा हूँ तो वो भी कमेंट बता देना तो मैं उस तरह का वीडियोज लाते रहूँगा किस तरह एल्गो प्रिपेयर करनी है क्या क्या टॉपिक पढ़नी है अभी डी पी कैसे स्टार्ट करना है सॉल्व करना ग्राफ का क्वेश्चन कैसे बनाना है उस टाइप का मैं वीडियोज़ भी लाते रहूँगा तो ठीक है आज के वीडियो में यहीं तक तो रहने दीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए बात करेंगे तो हमारा वो वीडियो वो जो प्ले चल रहा है कोड करने वाला वो तो चलते रहेगा साथ साथ ये भी चलते रहेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में